आप पे क्या समस्या है, कितना विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ है, यहाँ खाली धांधली होती है। किस चीज़ की धांधली? धांधली हर चीज़ की होती है। जैसे कोई काम आया सरकारी, वो अभी कायदे से नहीं होता है, क्योंकि परसेंटेज चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप बताइए कितना काम हुआ है और इस बार क्या हो रहा है? कुछ नहीं, क्या काम हुआ है, ये जो देख रहे हैं ये सब घोटाले वाला काम हुआ कि कोई नगर सीमेंटेड इंटरलॉकिंग ईंटों से चमचमा हमारा क्या चमचमा? लाइट आई है। चलिए मैं दिखा दूं कितना गड्ढा है। कहाँ पे? चलिए मेरे 9 नंबर वार्ड में चलिए, मैं दिखाऊँ आपको। क्या सप्लाई केंद्र बना है, उसमें भूसा रखने के लिए बना है। किसने भूसा रखा है? अरे चेयरमैन साहब के आदमी रखे, चेयरमैन साहब का कई व्हाट्सएप आपको दिखाते, उसको देखना चाहिए कि जब जाओ भैया लखनऊ हैं, भैया कहाँ हैं, कलकत्ता गए हैं। एक बात ये बताइए, ये कोई बात है कि कोई बात करे तो लखनऊ हैं हमारा, हम आज मर जाएंगे यहाँ दबा बिना। तो दबा क्या कहना है, कितना काम हुआ है? काम तो कुछ नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है खाली। अरे आप जहाँ खड़े हैं सड़कें चमचमा रही हैं। घोटाला हुआ है ज़्यादा। क्या घोटाला हुआ है? अरे पोखरा जो 4.5 करोड़ में बना है, लेकिन पोखरा 4.5 करोड़ में है वो। हाँ, वो डिटेल कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला, देखने में नहीं मालूम होता, हम लोग व्यापारी पता नहीं लग सकता है। मतलब पोखरे में कि अभी मालूम हुआ कि इस बार 15 करोड़ रुपया आया है। 15 करोड़ 5 साल में, लेकिन उसका कोई काम नज़र नहीं आया। जो भी ये आप दिखाई दे रहे हैं विकास का अतरौलिया में, ये पहले और दूसरे कार्यकाल का विकास है। अच्छा, जैसे देखिए यहाँ गोला में जितने व्यापारी रहते हैं उनकी सबसे पर्सनल समस्या है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो जाती है। अच्छा, सुबह से शाम तक यही सिस्टम लगा रहता है। एक बार मैं चाहूँगा आप गाड़ी की तरफ समय अपना कैमरा करके दिखा दीजिए, थोड़ा आप घूम के गाड़ियों को दिखा दें, आप घूम के गाड़ियों को दिखा दें, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। गाड़ियों को दिखा के आएँ, आप देखिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। नमस्कार, मिशन चेयरमैन देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ जिले के आदर्श नगर पंचायत अतरौलिया में है, वार्ड नंबर 9 के गोला क्षेत्र में मौजूद हैं। कहा जाता है कि अतरौलिया का चुनाव हमेशा से दिलचस्प होता है, चुनाव में मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में हम स्थानीय लोगों से, वार्ड की जनता से समझने आए हैं कि इस बार किसका जादू चल रहा है, क्या समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी बढ़त को बढ़ाते हुए अगले 5 साल के लिए फिर वापस मैदान में आएंगे, या फिर इस बार भाजपा ने जिसे मौका दिया है वो प्रत्याशी कोई कमाल करेगा, या फिर बसपा का यहाँ पे कोई गणित दिख रहा है, या फिर जिस तरह से निर्दल प्रत्याशियों ने, खास करके बागियों ने बगावत की है और अपनी दावेदारी पेश की है, वो किस हद तक अपनी मजबूती को बनाए रखते हुए इस चुनाव में प्रदर्शन करेंगे, ये सब जानना बेहद दिलचस्प है। तो गोला क्षेत्र में हम लोग आए हैं, देखिए स्थानीय जनता कुछ लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, क्या विकास हुआ और इस बार जनता का मूड क्या है। परिचय दे दीजिए अपना। दीनदयाल जी आपका? राम जी आपका? हाफिज मोहम्मद साहिल आपका क्या नाम है? आजाद कुमार आपका नाम? राम नारायण आपका नाम? दल सिंह आपका? रामू। तो ठीक है, हम लोग मुख्य मुद्दे की जो बातचीत है उसको शुरू करते हैं। क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में, सपा, भाजपा, बसपा या निर्दल? का साहब, हम गरीब मनई हैं, या क्या जैसे कहूँ ऊपर मुसीबत पड़ गई तो क्या वो जाए वाला ना है। अच्छा, अगर जई है दिनेश जई है। अच्छा, सबसे पहले पहुँचे। अच्छा, दिनेश ये एमआर का नाम साहब, निर्दल प्रत्याशी जो है दिनेश हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, पहले नंबर में पहुंचते हैं। अच्छा, और इतना सब हुआ है, मोक अप क्यों ना जाए वाला। जो सपा और भाजपा के कैंडिडेट हैं, हाँ, वो लोग नहीं सुनते हैं। जब कहो सुनवाइया ना तो का कहें। अच्छा, आप इसी वार्ड के रहने वाले हैं? हम 8 वार्ड के। अच्छा, 8 वार्ड के हैं। तो यहाँ पे क्या समस्या है, कितना विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ है, यहाँ खाली धांधली होती है। किस चीज़ की धांधली? धांधली हर चीज़ की होती है। जैसे कोई काम आया सरकारी, वो अभी कायदे से नहीं होता है, क्योंकि परसेंटेज चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हम ऐसे प्रत्याशी को चुन रहे हैं क्योंकि हमारे टाउन का मामला है ना, हम ऐसा प्रत्याशी हम सबको देख रहे हैं, इसमें दिनेश के अलावा कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं दिखाई पड़ रहा है। आधी रात को अगर जरूरत पड़ रही है तो आधी रात को ये तैयार हो जाते हैं। अच्छा, आप भी निर्दल प्रत्याशी को समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। आपका क्या नाम है? सीताराम मदेसिया। आप तो व्यापारी हैं जी, तो क्या लग रहा है इस बार रुझान?
ये सब हम लोग दिनेश है सपोर्टर है, लेकिन परेशानी हम लोगों के है। क्या परेशानी है? ये रात भर गाड़ी दिन भर सुबह खड़ी हो जाए। किसकी गाड़ी? गाड़ी बंद हो, बाहर से कोई आता है? बाहर वालों का आता है, बाहर वाले गाड़ी खड़ा करके चले जाते हैं। सब मार्केट करने खड़ा करके हम लोग दुकानदारी चौपट है। मना नहीं करते? अरे साहब कहने पर यही कहते हैं कि किसी का दो मिनट होता ही नहीं है। तो आपने कभी नगर के चेयरमैन से इसकी शिकायत किया? कह गया लाल साहब कान हमारे पे शिकायत किया आपने? कान कौन हमारा सरकार है? अरे गाड़ी हटाने में आप नगर में चेयरमैन है, गाड़ी हटाने में सरकार की क्या जरूरत है? उनसे कहा जाता है कि गाड़ी व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, तो कोई व्यापार मंडल का नेता होगा ना यहाँ पे? बहुत तो सब नेता ही वह करें, उनसे शिकायत नहीं करना? उनसे तो नहीं किए साहब। तो व्यापार मंडल में आप अपनी बात को रखिए और बताइए उनको कि व्यापारियों को समस्या हो रही है इन गाड़ियों से। बड़ी समस्या है। आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या गाड़ी, गाड़ी का। बाकी विकास कैसा हुआ है? विकास साहब जो भरत भैया ये बात ना है, लेकिन अब जनता जो मूड जनता को बदल गया। जनता का मूड बदल गया जी? अच्छा क्या बदल गया? बस वह के नया चेहरा चाहिए। आपका क्या कहना है, कितना काम हुआ है? काम तो कुछ नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है खाली? अरे आप जहाँ खड़े हैं सड़कें चमचमा रही हैं। घोटाला हुआ है ज्यादा। क्या घोटाला हुआ है? अरे पोखरा जो 4.5 करोड़ में बना, लेकिन पोखरा 4.5 करोड़ में है वो। हाँ वो डिटेल कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला? देखने में नहीं मालूम होता, हम लोग व्यापारी पता नहीं लग सकता है। मतलब पोखरे में 4.5 करोड़ का मतलब लागत बताया गया? हाँ। तो आपके हिसाब से घोटाला हुआ है? बहुत ज्यादा। अच्छा। ज्यादा ज्यादा 1 करोड़ रुपया लगा होगा। अच्छा हाँ। तो इस वजह से आप नाराज हैं? अरे नाराज तो बहुत हो जाए है। अच्छा बहुत। और कोई वजह? बहुत हो जाए है। क्या क्या इस बार? क्या इस बार क्या होने जा रहा है? कभी किसी का सुनवाई नहीं करते, वो क्या लखनऊ है तो दिल्ली है, फोन करो चेयरमैन साहब ये बात है तो दिल्ली है या फला जगह है, उससे बढ़िया तो हमारे दिनेश जी हैं, इनसे कहो तुरंत तो सुनते हैं। हाँ दौड़ के आते हैं अपना। अच्छा मदद करते हैं? हाँ एकदम। सरकार भी तो बहुत मदद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट दिया इतना तो कह रही है कि हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है, एक और जोड़ दीजिए ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाए। यहाँ तो सरकार इनका है ना। किसका? अरे चेयरमैन साहब का तो मिला है भाजपा की सरकार बनाने का। आप कहाँ? वो तो सीधे क्या भाजपा की सरकार है, हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, चेयरमैन साहब कहते हैं भाजपा की सरकार है। हाँ हम नहीं तो कर पाएंगे। चुनाव में प्रत्याशी तो दिया है, जबकि यहाँ सपा का वो है क्या नाम मंत्री है और सब है, सब तो सपा के जिले तो भाजपा की है वो मंत्री भाजपा की। आजमगढ़ जिले में तो विधायक है, 10 विधायक है सपा के, ये कह सकते हैं, लेकिन मंत्री कोई नहीं है सपा का। क्या इनका सुनवाई नहीं था? नहीं कहे नहीं। आप एक आम इंसान का संविधान हमारा इतना हमको अधिकार देता है कि एक आम आदमी भी अपनी बात को चाहे रख सकता है। अब उनके ऊपर है सुने ना सुने, लेकिन मजबूती के साथ जनता अगर कहेगी तो अच्छे अच्छों को सुनाई दे जाता है। तो वो सुनते नहीं, इन्हें कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है। अच्छा। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस तो किसकी सरकार ला रहे थे हम लोग? तो देखिए यहाँ टाउन का मामला है तो दिनेश को लाएंगे। तो टाउन से खाली मदद करने से दिनेश जीत जाएंगे? हाँ। अच्छा बाकी आसपास? आज बात भी मदद करेगा, पार्टी का कोई मतलब है नहीं रहेगा। पार्टी का कोई मतलब इसमें क्षेत्रीय लड़ाई है, बड़ी पार्टियां हैं भाजपा है सपा, उसका कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं, अगर भाजपा सपा की जो मतलब है हमको लखनऊ देखना है, दिल्ली देखना है, ना कि अपना क्षेत्र देखना, अपना गांव देखना है। हमको गांव में जो बढ़िया रहेगा प्रत्याशी उसी को हम लोग चुनेंगे। चलिए आप बताइए कितना काम हुआ है और इस बार क्या हो रहा है? कुछ नहीं, क्या काम हुआ है? ये जो देख रहे हैं ये सब घोटाले वाला काम हुआ कि कोई नगर सीमेंटेड इंटरलॉकिंग ईंटों से चमचमा हमारा है? क्या क्या चमचमा? लाइट्स लाइट्स लगी है। चलिए मैं दिखा दूं कितना गड्ढा है। कहाँ पे? चलिए मेरे 9 नंबर वार्ड में चलिए मैं दिखाऊँ आपको क्या क्या विकास किए और क्या काम किए। आप बताइए दिनेश मदेसिया जो है 12 बजे रात को उसको बुलाइए और आपके घर अगर नहीं पहुंचता तो बात बताइए। और सामुदायिक केंद्र बना है उसमें भूसा रखने के लिए बना है। किसने भूसा रखा है? अरे अब चेयरमैन साहब के आदमी रखे हैं, चेयरमैन साहब का कई व्हाट्सएप आपको दिखा दे। अच्छा भूसा रखा है सामुदायिक केंद्र? हाँ पोखरे पर। अच्छा अब एक बात ये बताइए कि जो कंधे से कंधा मिला करके चलता है, जो गरीबी अमीरी सबको देखता है, जो लॉकडाउन में अपना समय दिया, लॉकडाउन में सबके कंधे से कंधा मिला के चला, उसको देखना चाहिए या उसको देखना चाहिए कि जब जाओ भैया लखनऊ हैं, भैया कहाँ हैं? कलकत्ता गए हैं। एक बात ये बताइए, ये कोई बात है कि कोई बात करे तो लखनऊ हैं हमारा, हम आज मर जाएंगे यहाँ दवा बिना? तो दवा दिलाने दिनेश जाते हैं, अपना पैसा रुपया खर्च करते हैं, दिनेश 10 रुपया खर्च करके उसको उसका ही मदद करते हैं। तो ये बताइए हमको ऐसा प्रत्याशी चाहिए कि ऐसा प्रत्याशी चाहिए कि जो कि जाने पर अरे भैया एक पैसा मदद देना नहीं है, भैया
टाइम भी नहीं दे सकते, कहते हैं कि हम लखनऊ हैं, हम दिल्ली हैं, हम कलकत्ता हैं। सरकार ने तमाम सुविधाएं दी हैं, एक फोन करिए एम्बुलेंस हाजिर हो जाएगा, सुनिए मरीज को ले जाएगा। सरकार ने दिया लेकिन यहाँ का गलत चयन हो गया। हाँ, यहाँ के पदाधिकारी और जो यहाँ मंत्री थे, आप ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि बार बार वो रोना रोते हैं कि हम सरकार में नहीं हैं, और अगर दिनेश मदेसिया जैसा आप बता रहे हैं उन्हें चुन लेंगे तो सरकार में तो भी नहीं रहेंगे, फिर भी तो ये रोना रहेगा। सुनिए सरकार, आप क्या कहते हैं, सरकार में नहीं रहेंगे, इनसे पूछ रहा हूँ, आप भी नहीं, कैसे पूछेंगे सरकार में नहीं। सरकार का मतलब ये थोड़ा ना होता कि सरकार में, आप फिर यही कहेंगे ना, दिनेश जी भी कहेंगे हमारी सरकार नहीं, कैसे कहेंगे, दिनेश जी कहेंगे तो हम उनके भर के हैं, उनको पटक करके मारेंगे। चेयरमैन साहब से नहीं पूछ सकते, चेयरमैन साहब बड़े आदमी है भाई, उनके पास इतना दौलत है कि हम उनके यहाँ जाएंगे, अगर सीधे बात सुनवाई तो करते बात कर सकते हैं, सुनवाई तो करते हैं, क्या सुनवाई करते हैं, जब है नहीं तो सुनवाई क्या करेंगे, जब रहते तब ना सुनवाई करते, जब रहबे नहीं करेंगे सुनवाई क्या करेंगे। चलिए, आप कहाँ सुनाएंगे तो कहेंगे हम रहने वाले ही क्या हैं, यही के हैं। क्या लगता है आपको इस बार क्या होने जा रहा है चुनाव में? इस बार हमको लग रहा है परिवर्तन होने जा रहा है, परिवर्तन। हाँ, ये जो भी काम हुआ है त्रौलिया में पहले और दूसरे कार्यकाल में हुआ है। अच्छा, सुनते हैं कि अभी मालूम हुआ कि इस बार 15 करोड़ रुपया आया है, 15 करोड़ 5 साल में, लेकिन उसका कोई काम नज़र नहीं आया। जो भी ये तो आप दिखाई दे रहे हैं विकास का त्रौलिया में, ये पहले और दूसरे कार्यकाल का विकास है। अच्छा, और चौथे में तो नहीं के बराबर हुआ है। अब कोई भी बता दे 15 करोड़ रुपया कहाँ है। हम लोग घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो लोग तो बता रहे हैं कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र निषाद और भाजपा के जो बागी हैं, यही लोग भाजपा के लुटिया डुबा देंगे और सुभाष चंद्र जायसवाल के रास्ते आसान हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है, जो भाजपा का कैंडिडेट मिला है केवल दो ही वार्ड में उसका लड़ाई है। अच्छा, क्योटैया बिरुआपुर। अच्छा, अब आप वही सोचिए, चेयरमैनी में 11 वार्ड है, 2 वार्ड लड़के और चेयरमैनी का चुनाव जीत सकता है, तो यहाँ से नहीं कोई मामला है उनका। 2 वार्ड के अलावा और कहीं कोई नाम नहीं है, जो जब तक 5-6 वार्ड कवर नहीं करेगा चेयरमैनी का चुनाव फाइट नहीं। जी ने रोड शो वगैरह किया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा? क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सबको लेकर के घूम, एक दिन दिनेश जी के साथ में रमाकांत आए और कहे लोग कि ठाकुर बाभन को घुमा करके ठाकुर बाभन का रौला ला रहे हैं। आज 30 दिन से जब से प्रचार कर रहे हैं तब से ठाकुर बाभन अहिर आ रहे हैं, तो ये लोग नहीं कर रहे हैं कि अहिरों को घुमा करके ठाकुर बाभनों को खिला करके रौला जमा रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। इसको जनता को पूछना चाहिए, उनसे कहना चाहिए, इसको आप लोगों को इसको पेपर में गजट करना चाहिए कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। यानी यहाँ भी जातिवाद चल रहा है करें हमारा करें। आप बताइए कि एक दिन घूमे तो ठाकुर बाभन को ला करके ठाकुर बाभन का रौला कर रहे हैं, और 30 दिन आप लोग ठाकुर बाभन अहिर को घुमा रहे हैं तो आप रौला नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये क्या क्या जनता के साथ आप शोषण कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कुछ लोग और हैं उनसे रैंडमली बातचीत कर लेते हैं। इस आपका क्या नाम है? राजेंद्र भट्टार। इसी वार्ड के हैं या? नौ नंबर के हैं। 9 नंबर से? अच्छा, ये कौन सा 6 नंबर है? 9 नंबर 9 नंबर ये भी है। हाँ। इस बार क्या हो रहा है चुनाव में? इस बार चुनाव में समस्या किसी का नहीं है, कब क्या हो जाए क्या ना हो जाए। अच्छा, मतलब कन्फर्म कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है? हाँ, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र जायसवाल ने खूब विकास किया है। कहाँ विकास किया? लगातार 20 साल से नगर की सत्ता उनके हाथ में है। हाथ में है, लेकिन उनके 5वीं बार भी नंबर लग रहा है। अब देखिए क्या होता है, सुभाष जीतते हैं कि दिनेश जीतते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ऊपर की बात है। अच्छा, हाँ, अभी कोई कंफर्म नहीं है। अच्छा, हाँ, आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में क्या है, हम जिधर मन कहेगा उधर देंगे हम। अच्छा, जिधर मन कहेगा उधर। हाँ, चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लें। कोई है? आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष कुमार, व्यापारी हैं जी। क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र में व्यापारियों की? सबसे पहले तो सबका पर्सनल अपना समस्या होता है। अब जैसे देखिए, यहाँ गोला में जितने व्यापारी रहते हैं उनकी सबसे पर्सनल समस्या है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो जाती है। अच्छा, सुबह से शाम तक यही सिस्टम लगा रहता है। एक बार मैं चाहूँगा आप गाड़ी की तरफ इस समय अपना कैमरा करके दिखा दीजिए, थोड़ा आप घूम के गाड़ियों को दिखा दें, आप घूम के गाड़ियों को दिखा दें, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। गाड़ियों को दिखा के आएँ आप, देखिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और व्यापारी कह रहे हैं, आपको मैं बता दूँ कि ये गोला क्षेत्र जो है ना, यहाँ पे व्यापार के लिए मशहूर था, दूर दराज से लोग किसान आते थे, यहाँ पे मंडी लगती थी, तो स्थानीय व्यापारियों का भी भला होता था और लोग खरीदारी करने आते थे, जमकर व्यापार होता था। अभी गाड़ियों का यहाँ पे जमावड़ा लगा रहता है। हाँ, जमावड़ा लगा रहता है। शिकायत कौन करे, सब लोग ला करके गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। जो इन लोगों की गाड़ियाँ हटाने की मतलब जिम्मेदारी लेगा, आश्वासन देगा, उन लोगों का हम सपोर्ट करेंगे।
जो गाड़ियों को हटाने की जिम्मेदारी, हाँ, आप लोगों ने कोई मतलब जो प्रत्याशी है आप लोगों ने प्रत्याशियों से बात बताई है? प्रत्याशी आ रहे हैं, उनसे बात किया जा रहा है, तो कह रहे हैं हटाने के लिए, हटाने के लिए कह रहे हैं। अब जो उसमें ज्यादा दमदार दिखेगा उन लोगों का हम सपोर्ट करेंगे, जो ज्यादा दमदार दिखेगा सपोर्ट करेंगे। देखिए कुछ लोग ऐसे भागते हुए फिरते हैं, बचपन में हमारे साथ पढ़ाई किए हैं और भाग रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। ये गोला का क्षेत्र है और गोला का क्षेत्र है और यहाँ पे व्यापारियों ने खुलकर के अपनी राय रखी है और क्या होगा ये चार दिन के बाद यहाँ पे तय हो जाएगा। 11 तारीख को वोटिंग होनी है और जनता फैसला करेगी कि इस बार नगर की कमान जनता किसके हाथ में सौंप रही है और 13 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता ने किसे अपना सिरमौर बनाया है, किसे अपना अध्यक्ष चुना है। बने रहिए सीआईबी इंडिया न्यूज़ पर और ऐसे ही लगातार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज पर अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसे लाइक या फॉलो करिए और दोस्तों के साथ जमकर शेयर करिए। जय हिंद। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।